हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निखिल। और एक मिनट, ये क्या बोर ग्राफिक्स है यार, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ग्राफिक्स। लेकिन मुझे पता है, मैंने आपको पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास एक शेडर से लो एंड के, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा भी पीसी नहीं है, ग्राफिक्स कार्ड भी बहुत लो है। तो मैं दिखाता हूँ वो शेडर्स। ओ माय गॉड, ये माइनक्राफ्ट ही है ना? ये तो बाप रे, क्या रियलिस्टिक ग्राफिक्स है यार। और आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाने वाला हूँ, तो तुम रेडी हो मेरा घर देखने के लिए नया? तो 1, 2 एंड 3। हैं? एक मिनट, मैंने बड़ा घर बनाया था यार, सच में। ये क्या खंजर है? हाँ तो गाइस, थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम आ गई थी। तो क्या आप तैयार है मेरा घर देखने के लिए? 1, 2, 3। टाडा, ये देख रहे हो आप इतना बड़ा घर। यस, ये मैंने बनाया है। और अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने क्रिएटिव मोड में जाकर बनाया, तो नहीं, मैंने बहुत सारे वुड काटने पड़ रहे थे। ये पीछे वाला जंगल, उसके पूरा डिफॉरेस्टेशन कर डाला था मैंने। तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट 3 आवर्स लगे थे। ये अंदर से ऐसा दिखता है। यहाँ पे मैंने एक चेस्ट रखा है, इधर मैं आलतू पालतू के सामान रखता हूँ। और मैंने यहाँ पे 3 फर्नेस लगे, एक क्राफ्टिंग टेबल और ऐसे खिड़कियाँ है, हम देख सकते हैं इधर से। वैसे मैंने एक प्रैक्टिस मोड भी बनाया था ये। और यहाँ पे सोफा है, हम ऐसे यहाँ पे बैठ सकते हैं। और मैं ऊपर का फ्लोर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे है हमारा बेडरूम और यहाँ पे कवर्ड है। इसमें भी कुछ खास सामान नहीं है, ऐसे ही रख देता हूँ मैं। और उसमें इसमें कीमती सामान, ये कीमती नहीं मुझे पता है, तो इसलिए हम जो वुड का बना है वो हमारे पास रख लेते हैं। ये बात दोस्तों, आपने देख लिए होगा मेरा घर। लेकिन गुड न्यूज के साथ एक बैड न्यूज भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप पैंट देख रहे हो, हमें मिली थी, तो इसका एन्चेंटमेंट तो है, लेकिन कौन सा एन्चेंटमेंट है आप खुद देखो। यस, कर्स ऑफ बाइंडिंग। इसका मतलब जब तक ये नहीं मरेगा तब तक हमें ये चड्डी निकालते नहीं आएगी। पता नहीं था कि तुझे देख के नहीं उठा सकता था पैंट, फिर भी मैंने सोचा जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। और फिर मैं माइन को गया था, तो मुझे वैसे भी 8 आयरन ओर मिले थे, फर्नेस में डालने वाला हूँ, तो ये बनते रहेगा। और मैंने एक आयरन की पिकेक्स बनाई थी, एक आयरन सॉर्ड और एक शील्ड। और मेरा फार्म उग गया था और मैंने यहाँ पे एक ट्री भी उगाया था। तो आज हम माइनिंग को जाने वाले हैं फिर से। यहाँ पे मेरे आसपास तो बहुत सारे केव्स है वैसे, लेकिन मुझे स्ट्रिप माइनिंग करनी थी। यस, लेकिन मुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे मैं आया था एक बार, फिर भी जाकर देखते हैं। अरे यार, मैंने टॉर्चेस नहीं लाए क्या यार? अब तो वैसे भी रात होने में आ गई है। और मैंने यहाँ पे शुगर केन्स भी उगाए थे एपिसोड 1 में, आपको पता ही होगा, तो वो तो अभी तक बड़े हो गए हैं। आयरन बन रहा है यहाँ पे, 29 टॉर्चेस है। और मैं सोच रहा था कि अगर स्ट्रिप माइनिंग के चलते हमें बहुत सारा सामान मिलेगा, तो रेडस्टोन से हम ऑटोमेटिक फार्म भी बनाएंगे। लेकिन अभी रात होने में आ गई, तो अगले दिन जाएंगे, तो हम सारी तैयारियां कर लेते हैं। हमें ऊपर आने के लिए बहुत सारा कोबलस्टोन लगेगा, उसी के साथ एक बकेट भी लग सकती है अगर लावा आया तो। और अगर हमें अच्छी माइन मिल गई, तो हम लेंगे लैडर वहाँ पे लगाने के लिए। अभी हम बहुत सारे लैडर्स बनाते हैं। एक मिनट, वुड, ओके, तो वुड तो मिल चुका है, अभी बनाते हैं इससे स्टेयर्स। 2000 years later। ओके, तो स्टेयर्स भी, लैडर भी रेडी है, तो पहले सो लेते हैं। अरे चढ़, सो जाओ, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। और मैंने यहाँ पे बालकनी भी बनाई है, मैं बोलना भूल गया था। इसे जल रही है अभी सबकी, चल मर जा जल्दी से। यहाँ पे ऐसे मैंने बालकनी बनाई है, जोम्बी भाई भी उधर अपने मस्ती में जल रहे हैं। तो मैंने वैसे इस साइड में स्ट्रिप माइनिंग की थी, तो मुझे स्पाइडर, अरे निकलना, मेरे आइलैंड पे सब क्यों आते हैं? तो मैं कह रहा था कि मैंने इधर स्ट्रिप माइनिंग की थी, तो बहुत बार केव आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि स्ट्रिप माइनिंग अभी दूसरी जगह पे करते हैं, तो मैं अपने घर के पीछे करने वाला हूँ स्ट्रिप माइनिंग। तो ज्यादा कीमती सामान तो नहीं है वैसे भी हमारे पास, तो अभी हमें उससे लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। वो स्पाइडर वहाँ पे खड़ा है, इधर है। ए स्पाइडर, गया क्या? गया शायद, वैसे भी हमें क्या करना था। तो मैं अपने घर के पीछे करने वाला हूँ माइनिंग। आई होप कि यहाँ पे अच्छी जगह मिल जाए माइनिंग की, तो शायद यहाँ से शुरू करते हैं हम अपनी स्ट्रिप माइनिंग। लेकिन 2x2 ब्लॉक से करने वाला था मैं, मुझे भूल गया था।
और हम लेवल 11 तक जाने वाले हैं सच में, क्योंकि मुझे होप कि डायमंड्स मिल जाए, क्योंकि मेरे पास आयरन की पिकेक्स भी है अभी के लिए। ये क्या मिला, डोराइट? हाँ, डायोराइट बोलते हैं उसे, मुझे पता नहीं, क्योंकि उसकी रेसिपी अनलॉक हुई है। कितना हुआ, लेवल 51। बस अभी सिर्फ हमें 49 या ज़्यादा जाना है। अब कितना हुआ, 30। अभी सिर्फ 29 जाना है आई थिंक। नहीं नहीं 29 मतलब 1 पे सीधा नहीं जाना है, 11 पे जाना है। बस कोई केव ना आ जाए उसी का डर है। और ये हमें कोल मिला है यहाँ पे, तो इसे तोड़ लेते हैं क्योंकि हमारी लेवल 1 भी हो गई है। ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ओह नो यार, मैं भी बहुत पागल हूँ। बकेट लाई है और वाटर ही नहीं लाया उसमें, क्या यार, मैं भूल गया था वाटर लाना। अभी रहने दो। और कोल मिला है। अभी कहाँ पे है हम, व्हाट 7। अरे इतना भी नीचे नहीं आना था यार, मुझे सच में ज्यादा नीचे नहीं जाना है। मेरे आयरन की पिकेक्स टूटने में आ गई है, मेरे आयरन की पिकेक्स टूटने में आ गई है। और हम फाइनली आ गए हैं लेवल 11 पे। तो यही से हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रिप माइनिंग। पहले सीधा जाएंगे, इसे तोड़ेंगे। और ये टूट गई। और यार मैंने क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं लाया है और कुछ भी नहीं मेरे पास। ये आयरन की पिकेक्स से ये भी जो मिलेगा वो उसमें ही खुश रहना पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं मिलेगा तो, और यहाँ पे हम टॉर्च लगा देते हैं हमारे आने की निशानी। ओके तो चलते हैं माइनिंग के लिए फिर से। मैं इसे दो दो ब्लॉक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर सामने से के आ भी गई तो हमें पता चल सकता है। क्योंकि अगर मैं 1/2 ब्लॉक से तोड़ूंगा तो मुझे नहीं करते आएगा। और यहाँ पे हमें आयरन मिला है यार, मुझे चेस्ट भी बना लेना चाहिए था यहाँ पे एक। ओह दिखता नहीं है यार, बहुत ब्राइटनेस बहुत कम है इस गेम की। ओह नो, मैंने गलती से उस टॉर्च को ही तोड़ दिया। बहुत सारा आयरन है वैसे यहाँ पे। ओके और हमें मिले हैं पूरे 13 आयरन ओर्स। ठीक है, और मिलने चाहिए, शायद हमें रेडस्टोन या वगैरह वगैरह कुछ मिल सकता है। हम लेवल 11 पे ही है। अंधेरा हो गया, टॉर्च लगाओ। वैसे मेरे इसमें टॉर्च की रोशनी बहुत कम है, बाकी की इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको पता होगी वो कौन सी सेटिंग है कि टॉर्च की लाइट ज़्यादा ब्राइट हो जाए तो मुझे बताना। दूर से ही करना पड़ेगा माइनिंग। यार अभी तो कुछ खास नहीं मिला है, मैं कब से माइन कर रहा हूँ। मैंने बहुत बार माइन किया है इस सीरीज में, नहीं मेरे प्रैक्टिस मोड में, तो मुझे तो हमेशा रेडस्टोन गोल्ड कुछ भी मिलते रहता है। ऐसे स्ट्रिप माइनिंग में बहुत मज़ा आता है वैसे भी। तो मैं कब से माइन कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है। और हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से बहुत दूर आ गए और मुझे लग रहा है शाम होने में तो आ ही गई होगी अभी तक। अगर रात होती है तो हम सीधा सुबह ही जाएंगे क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता अगर कुछ इम्पोर्टेंट मिला तो। यहाँ पे मेरे आयरन की पिकेक्स आधी से भी ज़्यादा टूट गई है ड्यूरेबिलिटी उसकी, लेकिन मुझे अभी तक कुछ खास नहीं मिला है। केव नहीं आनी चाहिए सिर्फ, यार कुछ तो मिल जाए। यहाँ पे मेरे पिकेक्स ख़त्म होने में आ गई है। कोल मिला है, इसका मैं क्या करूँगा। मैंने सुना है कोल के पास डायमंड्स मिलते हैं, तो देखते हैं। गाइस यहाँ पे डायमंड्स तो नहीं मिले हमें, सिर्फ कोल मिला है थोड़ा सा। 2000 years later। यार मैं कब से माइन कर रहा हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं मिला है मुझे, सिर्फ ऊपर तो कोल है लेकिन सावधान, ऊपर से कुछ भी गिर सकता है। केव तो नहीं है, नीचे नीचे का ही तोड़ेंगे, रिस्क नहीं लेना है हमें।
यार कब से माइन कर रहा हो, कितनी बार बोलूं मुझे कुछ मिल नहीं रहा है अभी तक। और मेरी आयरन की पिकेक्स तो टूटने में आ गई है, तो मैं उसे पूरा तोड़ना तो नहीं चाहता क्योंकि हमें ऊपर भी जाना है। तो हम बाद में आएंगे माइनिंग को, और शायद सुबह हो गई है मुझे लग रहा है, तो हम जाते हैं। तू निकल जा, तू है ना इधर रही है, हाँ समझा। अभी हम शांति से नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये फिर से बीच में आ रही है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं और चलते हैं स्टेयर्स के साथ। और मुझे नहीं लगता कि स्टेयर्स वहाँ तक जा। एक मिनट, ये क्या हुआ, रात हुई या सुबह? शायद रात हुई है। ओ यार भी क्या करूँ, हिम्मत रख, डर के आगे जीत है मेरे दोस्त, तो चलते हैं। लेकिन रहने दो। तो गाइस ये वीडियो में हमें खास तो कुछ नहीं मिला, आई एम सॉरी, क्योंकि इसमें सिर्फ मुझे घर दिखाना था वैसे भी, लेकिन मुझे लगा कि आज माइनिंग में कुछ मिल सकता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बकवास वीडियो थी पता है मुझे, लेकिन अगर ये शेडर्स आपको अच्छे लगे होंगे तो मुझे कमेंट्स में बताना, और मैं कौन से शेडर्स कर सकता हूँ लो एंड के लिए बताना, क्योंकि मेरे पास जेट फोर्स का नहीं है ग्राफिक्स कार्ड, इंटेल का ही है, तो इसलिए। और मैं टेक्सचर पैक्स भी करने वाला हूँ, रियलिस्टिक टेक्सचर्स पैक मुझे बोलते नहीं आ रहा था। तो फिर अगर आपको कोई लो एंड पीसी के लिए टेक्सचर्स पैक पता होंगे तो मुझे प्लीज कमेंट में बताना। और आज के लिए तो इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसका फैशन भी अच्छा लगा हो, इतना पिंक लग रहा है इस शेडर में, तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।